अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अफ्ताब नासर। जी डी स्टूडेंट, नेक्स्ट मेरा रिव्यू एक्सरसाइज टू है। इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कहता है इन सर्कल द करेक्ट आंसर। आपने दुरुस्त जवाब के गिर दायरा लगाना है जी। फर्स्ट इसका क्वेश्चन है, आ लीनियर पॉलिनोमियल इज़ अ डिग्री ऑफ। कोई लीनियर पॉलिनोमियल होता है उसकी डिग्री क्या होती है? मैक्सिमम डिग्री इसकी होती है जी 1। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन बी आ जाता है। ठीक हो गया, लीनियर की जब बात करें डिग्री 1 होगी। सेकंड कहता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिग्री, तो क्वाड्रेटिक क्या होती है? 2 होती है। ठीक हो गया। फिर थर्ड इसमें कहता है आ क्यूबिक पॉलिनोमियल डिग्री ऑफ 3। क्यूबिक क्या होता है? 3। क्यूब आपने सुना, क्यूब क्यूब से निकला है क्यूबिक। नेक्स्ट हमारे पास इसका 4 क्वेश्चन है। लीनियर आपको पता ना चाहिए 1 डिग्री होगी, क्वाड्रेटिक की 2 और क्यूबिक की 3 होगी। नेक्स्ट 4 क्वेश्चन इसमें कहता है फैक्टराइजेशन ऑफ एक्स प्लस 3 होल पावर 2 माइनस 4 इज दिस, तो किसके इक्वल आएगी? तो ये सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करके देखेंगे। और यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है एक्स प्लस 3 होल पावर 2 माइनस 4। यहाँ पर अगर देखें तो फार्मूला मुकम्मल होता है। तो यहाँ अगर हम देखें, फर्स्ट हमारे पास है जी एक्स प्लस 3 होल पावर 2, 4 जो है इसको मैं लिख सकता हूँ 2 रेज टू पावर 2। ठीक हो गया। तो ये फार्मूला हमें मिला यहाँ पर ए स्केयर माइनस बी स्केयर। ए स्केयर माइनस बी स्केयर किसके इक्वल होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक हो गया। यहाँ पर फर्स्ट का स्केयर प्लस सेकंड का स्केयर मौजूद है, फर्स्ट का स्केयर माइनस सेकंड का स्केयर, सॉरी। तो उसको लिखते हैं फर्स्ट प्लस सेकंड, फर्स्ट माइनस सेकंड। तो फर्स्ट हमारे पास है एक्स प्लस 3 प्लस सेकंड, फिर एक्स प्लस 3 माइनस सेकंड, वो माइनस 2 है। मज़ीद इसको सॉल्व करते हैं जी। तो हमारे पास आ जाता है एक्स प्लस 3 में 2 ऐड करें तो ये बनता है 5, और एक्स 3 में 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास बन जाता है प्लस 1। ठीक हो गया। तो हमारे पास एक्स प्लस 5, एक्स प्लस 1 कौन सा यहाँ पर आ रहा है? एक्स प्लस 5 और एक्स प्लस 1। ठीक हो गया। तो वो हमारे पास ये बन रहा है फर्स्ट वाला ही, एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 5। ये आगे पीछे लिख ले कोई फर्क नहीं, मतलब वो उसने ऐसे लिखा हुआ है एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 5, इसको बाद में लिखा हुआ है एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 5 इस तरह से। ठीक हो गया। तो ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन है फैक्टराइजेशन ऑफ एक्स 4 माइनस 16 इज। तो यहाँ पर देखें जी एक्स 4 माइनस 16 इसकी फैक्टराइजेशन कैसे होगी? एक्स 4 को मैं बारह ऐसे क्वेश्चन करवा चुका हूँ लेकिन फिर भी सॉल्व कर देता हूँ। एक्स 4 लिखा हुआ, इसको ब्रेक करें 2 रेज टू पावर 2। जब पावर के ऊपर पावर होती है मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 16 को मैं लिख सकता हूँ 4 रेज टू पावर 2। ठीक हो गया। तो ये बन गया ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो यहाँ पर ए स्केयर माइनस बी स्केयर वहाँ फार्मूला अप्लाई होता है, वो क्या होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ फर्स्ट प्लस सेकंड, फर्स्ट माइनस सेकंड। तो फर्स्ट हमारे पास है एक्स स्केयर प्लस 4, नेक्स्ट एक्स स्केयर माइनस 4। ठीक हो गया। तो यहाँ पर मज़ीद इसमें थोड़ा सा इसको सॉल्व किया जा सकता है। कैसे? ये एक्स स्केयर प्लस 4 जो है इसको तो मैं सॉल्व नहीं कर सकता, इसको मैं वैसे छोड़ देता हूँ। तो यहाँ पर जो एक्स स्केयर, इसको ब्रैकेट में लिख सकता हूँ और 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 रेज टू पावर 2। तो यहाँ पर देखें, ये तो वैसे आ गया एक्स स्केयर प्लस 4, और इसके ऊपर फार्मूला मज़ीद अप्लाई हो सकता है। क्या? फर्स्ट स्केयर माइनस सेकंड स्केयर। तो ये फार्मूला क्या था? फर्स्ट स्केयर माइनस सेकंड स्केयर, फर्स्ट प्लस सेकंड, फर्स्ट माइनस सेकंड। फर्स्ट हमारे पास था एक्स और यहाँ पर 2, फिर फर्स्ट माइनस सेकंड। तो यहाँ पर मेरा आंसर मिला एक्स स्केयर प्लस 4, एक्स प्लस 2, एक्स माइनस 2। तो यहाँ इसको हम तरतीब दे लेते हैं, पहले हम लीनियर वाला फैक्टर लिख लेते हैं, बाद में क्वाड्रेटिक। तो लीनियर वाले फैक्टर ये दोनों हैं, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं पहले एक्स माइनस 2। मल्टीप्लाई हो रहे तो आगे पीछे लिखने से फ़र्क नहीं पड़ता, और इसको लास्ट में लिख देते हैं एक्स प्लस 4। ठीक हो गया। तो यहाँ पर देखें एक्स माइनस 2, एक्स प्लस 2, एक्स स्केयर प्लस 4, ये वाला बन रहा है। ठीक हो गया। तो ये इसका सी ऑप्शन आ जाता है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इसमें कहता है फैक्टराइजेशन ऑफ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो ये फार्मूला है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो ये फार्मूला अपनी ज़बानी याद रखना है। मैं चले इधर लिख देता हूँ एक्स क्यूब वाई क्यूब का फार्मूला। तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब किसके इक्वल होता है? एक्स माइनस वाई, एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर। ये फार्मूला आपने ज़बानी याद रखना है। तो यहाँ पर ये किसके इक्वल आता है? यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस वाई इक्वल होता है एक्स माइनस वाई। तो एक्स माइनस वाई ये तो हो नहीं सकता, फिर ये भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पर ये होगा, ये इसके इक्वल आएगा। ये फार्मूला ज़बानी याद रखना। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है जी 7 क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन में भी कह रहा है
कि फैक्टराइजेशन आपने करना क्या जी, फैक्टराइजेशन करनी है इसकी ए फोर माइनस वन की। तो ए फोर माइनस वन जो है इसकी फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, जैसे मैंने अभी की सेम वैसे ही, यहाँ पर लिखते हैं एक्स रेज टू पावर फोर, मैं सॉरी एक एक्स नहीं ए, ए रेज पावर फोर। तो मैं अगर इसको ब्रेक करना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ए रेज टू पावर टू पावर टू माइनस वन की पावर, अगर मैं टू कर लूँ तो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने फार्मूला मुकम्मल करने से वजह मैंने कर ली, क्योंकि वन की पावर जितनी मर्जी कर लें वो वन ही रहता है। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला फार्मूला, वो होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक हो गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए प्लस बी मतलब ये सारे के सारा स्केयर के अलावा ए है, ये सारे के सारा स्केयर के अलावा बी है, ठीक हो गया। तो यहाँ पर आ गया ए स्केयर प्लस वन और ए स्केयर माइनस वन। मज़ीद अगर देखें तो ए स्केयर प्लस वन तो वैसे लिखा जाएगा, और यहाँ पर जो ए स्केयर है इसको मैं ब्रैकेट के अंदर लिखता हूँ और वन की पावर टू कर लूँ तो फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे मैंने इधर लिखी थी, ठीक हो गया। तो यहाँ पर मज़ीद इस पर फार्मूला अप्लाई होता है ए स्केयर माइनस वन स्केयर, इसके ऊपर कौन सा फार्मूला अप्लाई होता है, वही ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला। तो वो क्या होगा, फर्स्ट फैक्टर हम वैसे लिख लेते हैं ए स्केयर प्लस वन, और यहाँ पर आ जाएगा ए प्लस वन ए माइनस वन। अब ये क्वार जो लीनियर फैक्टर है इसको पहले लिख लेते हैं और क्वाड्रेटिक को बाद में तरतीब दे लेते हैं। तो ये ए माइनस वन, यहाँ पर ए प्लस वन, और ये लास्ट पर लिख लेते हैं ए स्केयर प्लस वन। ये ऐसे ही है, ये सिक्स मल्टीप्लाई फाइव मल्टीप्लाई टू लिखा हो तो हम टू मल्टीप्लाई फाइव टू मल्टीप्लाई सिक्स लिख लें, तो आंसर इसका क्या क्या आना है, साठ ही आना है इनका आंसर, जिस जैसे मर्जी आगे पीछे कर ले तो आंसर सेम ही रहेगा। तो यहाँ पर इसका आंसर आया ए माइनस वन ए प्लस वन ए स्केयर प्लस वन, तो यहाँ पर कौन सा आता है, वो ये फर्स्ट वाला, ये इसका फाइनल आंसर आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर एट, इसमें कहता है कि इफ़ अ पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स, हमारे पास एक पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स है ऑफ डिग्री एन ग्रेटर देन इक्वल वन, जिसकी डिग्री वन है या वन से ज़्यादा है, इज डिवाइडेड बाय पॉलिनोमियल एक्स माइनस ए, और इसको पॉलिनोमियल एक्स माइनस ए के ऊपर डिवाइड करते हैं। मतलब ये एक पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स है, इसको हमने जिसकी डिग्री इसकी डिग्री है वन है या वन से ज़्यादा है, तो इसको हमने इज डिवाइडेड बाय पॉलिनोमियल एक्स माइनस ए, इसको हम एक्स माइनस ए पर डिवाइड करते हैं, वेयर ए इज यानी कॉन्स्टेंट, और यहाँ पर जो ए होगा वो कॉन्स्टेंट होगा, देन पी ऑफ ए, तो पी ऑफ ए क्या रहेगा, तो ये मैंने बताया आपको रिमाइंडर थ्योरम के अंदर। तो पी ऑफ ए यहाँ पर जो हमारे पास होता है वो क्या होता है, रिमाइंडर होता है, क्या होता है, रिमाइंडर होता है। तो ये हमारे पास रिमाइंडर थ्योरम जो है उसकी स्टेटमेंट ही है, आप उसको अच्छे से समझे, मैंने वीडियो में काफ़ी डिटेल से समझाया हुआ है, ठीक हो गया। इससे नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी इसका नाइन पार्ट नाइन क्वेश्चन, इसमें कहता है इफ़ एक्स माइनस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स, अगर एक्स माइनस ए जो है वो इस पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स का फैक्टर हो, देन पी ऑफ ए, तो यहाँ पर जो पी ऑफ ए होगा वो क्या होगा, वो हमारे पास क्या होगा, ऐसी बात है ज़ीरो होगा। ये मैंने आपको फैक्टर थ्योरम के अंदर बताया था कि जब मैं किसी पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स हो उसको मैं डिवाइड कराऊँ एक्स माइनस ए के ऊपर, और जब मुझे आंसर वो ज़ीरो दे देता है, आंसर ज़ीरो दे देता है, तो उस वक्त ही वो उसका फैक्टर होता है। तो ये मैंने 2.5 जो है उसके अंदर ये क्वेश्चन जो है 6 से लेकर 18 तक वो सारे इसके ऊपर बेस करते हैं, मैंने बड़ी डिटेल से समझाए हैं। यहाँ पर उसने कहा है कि x माइनस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, अगर x माइनस ए जो है वो p ऑफ x का फैक्टर हो, मतलब पॉलिनोमियल का फैक्टर हो, फर्स्ट ये फर्स्ट पॉलिनोमियल है, ये सेकंड पॉलिनोमियल, तो फर्स्ट पॉलिनोमियल इस सेकंड पॉलिनोमियल p ऑफ x का फैक्टर हो, तो ये ऐसे ही उस वक्त ही मुमकिन है जब हम इसके अंदर a की कोई वैल्यू पुट करें और रिजल्ट उसका ज़ीरो आए, तो ज़ीरो रिजल्ट आने पे ही इसका फैक्टर होगा, अदरवाइज कोई कंडीशन नहीं कि इसका फैक्टर हो, ठीक हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, इसमें कहता है कि इफ़ पी ऑफ एक्स एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्केयर प्लस फाइव एक्स प्लस वन इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, यहाँ पर कहता है कि ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, इसको डिवाइड करना है एक्स माइनस ए वन पे, तो पी ऑफ वन क्या आएगा, तो ये सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है, इसको सॉल्व किए बगैर हम ऐसे आइडिया नहीं लगा सकते, आंसर तो बता सकते हैं लेकिन ऐसे आइडिया नहीं लगाया जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स, तो यहाँ पर इसमें वैल्यू कौन सी पुट करनी है, चले मैं लिख लेता हूँ, पहले पॉलिनोमियल लिखता हूँ सारा, पॉलिनोमियल क्या है हमारे पास, पी ऑफ एक्स है जी एक्स क्यूब टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस वन, ये पॉलिनोमियल है, इसको डिवाइड करना है एक्स माइनस वन के ऊपर, ठीक हो गया। तो यहाँ पर एक्स की जो वैल्यू होगी इसको ज़ीरो के ऊपर रखें तो यहाँ एक्स की वैल्यू आ जाती है वन, तो यहाँ पर उसने खुद भी कह दिया कि पी ऑफ वन मतलब एक्स को वन रखें, तो जब हम एक्स एक्स की वैल्यू वन पुट करते हैं तो यहाँ पर भी वन पुट किया, यहाँ पर वन पुट किया, इसकी पावर थ्री आ गई माइनस टू इंटू वन पावर टू प्लस फाइव इंटू वन प्लस वन,
ठीक हो गया। तो यहाँ पर पी ऑफ वन, वन का क्यूब लें तो वन रहता है, फिर टू इंटू वन का स्क्वायर वन, वैसे लिख लेंगे। फाइव को वन से मल्टीप्लाई करें, फाइव प्लस वन, इनको ऐड करते हैं। फाइव ये भी पॉजिटिव वैल्यू, ये भी पॉजिटिव, ये भी वैल्यू, वन सिक्स और ये सेवन, सेवन माइनस टू, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, आंसर फाइव आ जाता है। तो यहाँ पर फाइव कहाँ पर है जी, ये इसका फर्स्ट इसका आंसर है। मुझे उम्मीद है कि रिव्यू एक्सरसाइज टू के क्वेश्चन नंबर वन की आपको अच्छे से समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।